एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ठंडी तो हम सबके लिए ही है, बट मेरी मकान मालकिन ने मुझे बोला कि लड्डू गोपाल के लिए एक शॉल बना दो और माता रानी के लिए एक लहंगा बना दो और लड्डू गोपाल जी के लिए एक टोपा बना दो। तो मैंने क्रूसियो के कुछ पिलो कवर बनाए थे, वो उनको देखी थी। मुझे क्रूज से चलाना बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक नॉर्मल से मतलब एक चैन जो होती है वो मैं बना सकती हूँ। तो मैंने एक छोटू सा शॉल बनाया है, आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। तो ये शॉल सिर्फ एक चैन चैन से ही बनी हुई है और ऐसे मैंने यहाँ पे इसमें पम्पम लगा दिए हैं, अभी दो और लगाने हैं। तो पम्पम बन चुके हैं, इन्हें मैं थोड़ा सा कट करके ऐसे बराबर करके और लगा दूंगी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे से कुछ नहीं आएगा, मतलब क्रूसिया चलाना आता नहीं है। मैंने बनाए हैं कुछ चीज़ें लेकिन आता बिल्कुल भी नहीं है। वो भी मैंने ऐसे ही अपने मन से ही मैंने पिलो कवर बना लिए थे। पिलो कवर मैं अभी दिखाती हूँ। तो ये बन गया हमारा छोटू सा पम्पम। तो ऐसे ही एक और मैं येलो बना लेती हूँ। और यार ऊन का प्रचलन अब थोड़ा सा ख़त्म सा हो गया है ना, कोई ना मतलब घर में बनाए हुए स्वेटर शॉल अभी कोई यूज नहीं करता है। मैक्सिमम 100 में 5% लोग ही जो है बनाते होंगे। तो पर कितने प्यारे लगते हैं ना ये कलर। मैं उनका कलेक्शन बहुत करती थी, मुझे मतलब बनाती कुछ और से स्वेटर वगैरह नहीं आते हैं मुझे बनाना, फिर भी कुछ ना कुछ पटांग बनाने के लिए मैं इनको यूज करती रहती थी। तो अभी भी मेरे पास ये पड़े हुए हैं। तो पम्पम बनाने के लिए ऐसे ऐसे कुछ उनको लपेट लेना। तो ये बन गए मेरे दो छोटे से और पम्पम, अब इसे मैं इसमें लगाऊंगी। तो मेरा शॉल बन के हो चुका है रेडी। तो ये है लड्डू गोपाल के लिए छोटा सा शॉल। तो कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। अभी मैं एक टोपा बनाने वाली हूँ और एक लहंगा बनाने वाली हूँ, पर वो कैसे बनेगा ये पता नहीं है, पर बन जाएगा। अगर ये मैंने शॉल बना लिया है तो वही बन जाएगा। तो छोटू से प्यारों से है ना, तो प्लीज़ कमेंट करना ये शॉल कैसा लगा। तो जो ये मैंने पिलो कवर बनाए थे वो ये है ब्लैक कलर में, इसमें भी ऐसे पम्पल लगा हुआ है, और एक ये है रेड कलर का। मुझे बिल्कुल भी कुछ चलाना नहीं आता था, उसके बाद भी मैंने एक ये पिलो कवर बनाया है, इसमें से बटन लगाए हुए हैं। एक ये है ग्रीन कलर का, इस पे जो ये पम्पम लगे बड़े प्यारे लगते हैं, बने भी बहुत अच्छे थे। और ये ऐसे स्टोन वाले बटन लगा के इनकी मैंने कैपिंग की थी कि ये मतलब बंद होने वाला हो ये बटन है। और एक ये है पिंक कलर का। तो ऐसा कह सकती हूँ कि कुछ नहीं भी आता है ना तब भी हम बना सकते हैं कोई भी चीज़, अगर चाहें तो ना चाहते हुए भी मैंने, ना बनते हुए भी मैंने ये शॉल बना लिया है। तो नेक्स्ट ब्लॉग डालूँगी टोपा और लहंगे का। तो प्लीज़ देखना ज़रूर और बताना कि कैसा बना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।